बेटी के हाथ पीले करने की जगह प्रेमी संग भागी माँ। झांसी के मौरानीपुर में जब बेटी शादी की योग हुई तब माँ को इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा कि वह एक युवक के साथ अपने पति व बच्चों को छोड़कर भाग गई। गरीबी का दंश झेल रही मौरानीपुर निवासी पूजा सेन ने कोतवाली में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह चार बहनें और एक भाई है। पिता सड़क किनारे फुटपाथ पर सेविंग का काम करता है। घर में आर्थिक तंगी को देखते हुए माँ ने शादी समारोह में पूरी बेलने का काम शुरू कर दिया। पुत्री के अनुसार माँ पूरी बेलने के नाम पर घर से सुबह निकल जाती थी और रात को 1-2 बजे तक आती थी। कुछ ही दिनों में माँ की रंगत बदल गई। पूरी बेलने के नाम पर वह इश्क के गुल खिलाती हुई माँ ने रुपयों की बौछार कर दी और फोन भी ले लिया। जब घर आती तो घंटों मोबाइल पर बातें करती रहती। पिता घर में होते नहीं थे तब माँ अपने इश्क का परवान चढ़ाती हुई कई युवकों से संपर्क में आ गई। सियानी होती बेटियों के हाथ पीले करने की जगह माँ खुद नई नवेली की तरह रहने लगी और काम की ओट में जो गुल खिला रही थी उसकी भनक उसकी पुत्री को हो गई। माँ के कारनामों की जानकारी चुपचाप पिता को दी। जब उसने माँ के काम में दखल डाला तो वह उग्र हो गई। वह बच्चों की मारपीट से लेकर जितने समय घर में रहती कलह करती रहती। जब बच्चों ने माँ को समझाया तो वह उनके लिए आफत बन गई। कुछ समय तक पूरी बेलने के बाद माँ अक्सर फोन पर बातें करती रहती थी। पिता की कमाई ना के बराबर होने पर वह खुद दयनीय हालत में बच्चों के चेहरे देखकर उनके भविष्य के बारे में सोच सोच कर परेशान होकर मानसिक रूप से इस कदर टूट गया कि पत्नी से कुछ भी कहने से डरने लगा। माँ का रंग रूप पूरी तरह बदल गया था। यही नहीं, वह पति व बच्चों को धमकी देने लगी कि यदि मेरे बीच में आए तो मैं मरवा दूंगी। माँ ने बच्चों व पति के साथ घर की दयनीय हालत से दो दो हाथ करने की जगह खुद प्रेमी संग फरार हो गई। प्रेमी टीलागंज निवासी का बताया गया है। उसके साथ 1 सप्ताह पूर्व वह घर से भाग गई। पुत्री के अनुसार माँ प्रेमी संग भाग गई, उसको हर जगह तलाशा लेकिन ना तो वह मिली और ना ही उसका प्रेमी का पता चला। पूजा का कहना है कि जो काम 18 की उम्र में हमें करना चाहिए था वह काम उम्र दराज माने करके समाज पड़ोस परिवार रिश्तेदारों ने हम सभी को शर्मसार कर दिया। पुत्री ने पुलिस से इस मामले की कार्रवाई किए जाने की मांग की है। संवाददाता मनीष नायक के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा रमेश सेन है। कहाँ के निवासी हो? पुरानी मऊ के मऊरानीपुर। क्या समस्या हुई आपके साथ? हमारे साथ ये तो हमारी घरवाली चार बच्चों पांच एक चार लड़कियां एक लड़के को छोड़ के अपने प्रेम का प्रेमी के साथ भाग गई। वो पूरी मिलने जाती थी जी, उसी के साथ काम करती थी। तो काम कब से कर रही थी उसके साथ? काम उसके संगे 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीने से काम कर रही थी? 2 महीने से 3 महीने। जिसके साथ भाग, उसका क्या नाम है? उसका अरविंद नाम है, शिवगंज मोहल्ले का है, मऊरानीपुर का है। आप थाने गए थे, क्या आश्वासन मिला आपको? थाने गए थे तो थाने वालों ने कि कहे तो हमको आश्वासन दिया कि है तो देखो हम उसको बुला रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रहा है। हम 2-3 दफ़े फ़ोन कर चुके हैं तो वो आने के लिए खाली गुमराह कर रहा है कि है तो हो आ रहे हो आ रहे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारी 4 बच्चियाँ हैं, 1 बच्चा। एक बच्चा कितने कितने उम्र के बच्चे हैं? हमारी एक उम्र यह है कि 16 साल की है, एक 14 साल की है और है तो एक 18 साल की है, 2.5 साल को है, एक 6 साल की है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि है सो हमें उसके छुटकारा मिल जाए। हम उसको रखना, वो हमारे पास रहना नहीं चाहती है, हमारे बच्चे उसको रखना नहीं चाहते हैं। उसके ऐसे कारनामा देख के झूठ बोल बोल के हम लोग बहुत परेशान हो गए। 20-25 साल हमारी शादी हो गई, अभी तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। अभी तक हम बैठार के खिलाते थे, अब ऐसा क्या है कि अभी 2-2.5-3 महीने से वो पूरी बेल ले जाने लगी है। तो ऐसा इसलिए अब वो कहा है कि वो बिल्कुल इस तरीके नीच तरीके पे आ चुकी है, इसलिए हमारे बच्चे सब संपन्न होंगे। संपन्न का मतलब ये है कि उम्र के हो चुके हैं, 18 साल के हो गए हैं। अभी आपकी बच्ची की क्या शादी थी क्या? अभी एक भी शादी नहीं हुई है हमको, हम लड़का ढूंढने फिर रहे थे। कहते मिल गया तो मुड़ी की कर लेकिन हमें तो जान नहीं है, तो अपनी शादी के चक्कर में फिर रहे।